हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एसी लोकोमोटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश ड्रॉप कॉन्ट्रैक्टर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर रोटेशन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जे वन जे टू। क्वेश्चन नंबर टू, डैश रिले सेंक्रोनाइजेस नोचेज इन एमयू लोकोज। इसका हो जाएगा हमारा आंसर Q49। थर्ड क्वेश्चन है, डैश एंड डैश सेफ्टी रिले शैल नॉट बी रीसेटेड व्हेन ड्रॉप्ड सेकेंड टाइम इन कन्वेंशनल लोको। बोल रहा है वो दो कौन सा सेफ्टी रिले है जिसे रीसेट नहीं किया जा सकता जब वो सेकेंड टाइम ड्रॉप हो जाए कन्वेंशनल लोको में। मतलब एक बार ड्रॉप हो चुका है, आपने उसको रीसेट किया है, बट दूसरे बार अगर वो रिले ड्रॉप हो रहा है तो आप उसे रीसेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा QLA और QLM। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड फॉर MBRF। MBRF के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड किया गया है? तो ये अपना है C108। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रजिस्टर्स कम इनटू सर्विस ड्यूरिंग हाफ नोच। हाफ नोच जब फर्स्ट नोच से सेकंड नोच पे जाते हैं तो बीच के नोच को हाफ नोच बोला जाता है, तो उस टाइम में कौन सा रजिस्टर हमारा सर्विस में आता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा RGR। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्विच प्रोवाइडर इन SIV लोको टू आइसोलेट कैब हीटर कैब फैन NR एंड वॉकी टॉकी चार्जर। तो इसका आंसर हो जाएगा HRAVT। HRAVT स्विच है जो SIV लोको में कैब हीटर कैब फैन NR एंड वॉकी टॉकी चार्जर के को आइसोलेट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पेंटोराइजेज व्हेन ZPT केप्ट इन वन पोजीशन। ZPT को अगर हम वन पोजीशन पे डालते हैं तो कौन सा पेंटोराइज होगा? रियर पेंटोराइज होगा हमारा। रियर बोले तो जिस कैब से हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके अपोजिट कैब के ऊपर वाला रियर पेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिले ट्रिप DJ व्हेन देयर इज नो और लो OHE वोल्टेज। अगर हमारा OHE में वोल्टेज नहीं है या लो वोल्टेज है तो कौन सा रिले के द्वारा हमारा DJ ट्रिप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Q30। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 एंड डैश एक्सिलरी मोटर स्टार्ट अलोंग विथ आर्नो। वो कौन कौन सा मोटर है जो हमारा आर्नो के साथ स्टार्ट होता है? फर्स्ट हो जाएगा हमारा MPH, फिर MVSL1, MVSL2, फिर हो जाएगा MVSI1 और MVSI2। तो क्या हो जाएगा MPH, MVSL1, MVSL2, और चौथा हो जाएगा MVSI1 और पांचवा हो जाएगा MVSI2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लैंप फ्लिकर्स फॉर priority 1 फॉल्ट इन 3-phase लोको। 3-phase लोको में priority 1 फॉल्ट्स के लिए कौन सा लैंप फ्लिकर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा LSFI हमारा फ्लिकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिले स्टेटस कैन बी सीन इन FDCS लोको फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। FDCS लोको में ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए कौन सा रिले का स्टेटस जो है वो हम लोग देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिमूव एंड एक्टिव रिले। रिमूव REMOVE एंड एक्टिव एंड एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल हैपन इफ रियर लोको CCDJ इज मेल्ट। अगर पीछे वाले लोको का CCDJ मेल्ट हो गया तो क्या होगा? तो नथिंग हैपन, कुछ नहीं होगा। ये हमारा सर्किट से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर अभी क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्किट बना के आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-phase लोको नॉन वर्किंग कैब सेल केप बी केप्ट इन डैश पोजिशन। पूछ रहा है 3-phase लोको नॉन वर्किंग कैब में SA9 का पोजीशन क्या होगा? तो हमारा SA9 जो है वो रिलीज पोजीशन में होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 कटआउट कॉक सेल ऑलवेज बी केप्ट इन सीसीबी लोकोस, ये हमारा ट्रू और फॉल्स है। तो 70 कटआउट कॉक जो है हमारा सीसीबी लोको में नहीं होता है, E70 के बारे में यहाँ बोल गए तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, A8 कटआउट कॉक पोजीशन इन रियर लोको ऑफ MU सेल बी इन डैश पोजीशन, एमयू लोको में रियर लोको का A8 कटआउट कॉक का पोजीशन हमारा क्या होगा, तो वो हमेशा क्लोज पोजीशन में होगा, आंसर हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एबनॉर्मल चेक इन साइन फॉर नो टेंशन इन AC कन्वेंशनल लोको इज, एबनॉर्मल चेक इन साइन फॉर नो टेंशन इन AC कन्वेंशनल लोको इज क्या है, तो इसके अंदर वोल्ट मीटर नॉट डेविएट, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वोल्ट मीटर नॉट डेविएट, वोल्ट मीटर नॉट डेविएट, डेविएट मतलब फ्लक्चुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एबनॉर्मल चेक इन साइन फॉर नो टेंशन इन AC कन्वेंशनल लोको इज, तो इसका जस्ट पहले मैं क्वेश्चन कराया हूँ, तो इसका आंसर था यूए मीटर नॉट डेविएट, और भी हो सकता है हमारा, जब यूए मीटर डेविएट नहीं होगा मतलब वो एसी वोल्टेज नहीं है तो हमारा कोई एक्जुलरी नहीं वर्क करेगा, तो नो साउंड फ्रॉम एक्जुलरी और LSCH भी है नॉट एक्सटेंग्विश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर डिटेंसिंग लोको फ्रॉम फॉर्मेशन टू बी चेक्ड फर्स्ट, आफ्टर डिटेचिंग लोको फ्रॉम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से जब भी लोको डिटेच करते हैं तो डैश टू बी चेक्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोको ब्रेक टेस्ट, लोको ब्रेक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर HBA ऑन इफ UVA शोज जीरो, जब हम HBA ऑन किए तो हमारा बैटरी वोल्टेज जीरो दिखा रहा है, डैश फ्यूज टू बी चेक्ड इन कन्वेंशनल लोको, तो कन्वेंशनल लोको में सबसे पहले कौन सा फ्यूज चेक करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडिशनल CCBA, एडिशनल CCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर स्विचिंग ऑन BLCP, जब BLCP को हम ऑन करते हैं, इफ MCP नॉट वर्किंग, MCP हमारा वर्क नहीं कर रहा, इवन व्हेन MR प्रेशर इज बिलो 8 kg, हमारा MR प्रेशर भी 8 kg से कम है, तो यूज डैश स्विच टू स्टार्ट MCP, तो इसके लिए हमारा एक BLCP D डायरेक्ट स्विच दिया गया है, उसको स्विच ऑन करेंगे स्टार्ट करने के लिए, BLCP D इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एयर ड्रायर मेल फंक्शनिंग डैश एंड डैश कटआउट कॉक टू बी क्लोज एंड डैश कटआउट कॉक टू बी ओपेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा A and B, कटआउट कॉक टू बी क्लोज एंड C कटआउट कॉक टू बी ओपेंड। आप अगर अंडर ट्रक में एयर ड्रायर देखेंगे तो उसमें A and B कटआउट कॉक दिख जाएगा आपको और C कटआउट कॉक भी दिख जाएगा और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ALP2H डैश ड्यूरिंग मैनुअल कंट्रोल ऑफ GR, ALP मैनुअल, जब GR का मैनुअल कंट्रोल करेगा तो उसे क्या देखना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा RGR, वही है हाफ नोज क्विच जो सर्विस में आता है, वो हमें कंटिन्यूसली ध्यान से देखना होगा और रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आर्नो प्रूविंग रिले इज, वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा QCVAR, QCVAR को हम आर्नो प्रूविंग रिले भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिफोर ELD बाईपास इन SIV लोको चेंज डैश स्विच टू डैश पोजीशन, SIV लोको में ELD बाईपास करने से पहले कौन से स्विच को कौन से पोजीशन पे करते हैं, तो HSIV को जीरो में करेंगे, और HSIV स्विच को जीरो पोजीशन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बिफोर एनर्जाइजिंग AC लोको इंश्योर लोको इज अंडर डैश एंड ऑन द डैश, तो AC लोको एनर्जाइज करने से पहले हमें इंश्योर करना है कि लोको जो है अंडर ओ ची एंड ऑन द ट्रैक या फिर ऑन द रेल या ऑन द ट्रैक बोल लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर इंटरिंग हाई टेंशन रूम स्टी रूम डैश टू बी ऑपरेटेड टू अर्थ द लोको। हाई टेंशन रूम में जाने से पहले किसको ऑपरेट करते हैं लोको को अर्थ करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा HOM। HOM ऑपरेशन को करते हैं लोगों को अर्थिंग करने के लिए, उसके बाद हम लोग हाई टेंशन रूम में ट्रबल शूट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बिफोर रेजिंग पेंटोग्राफ इन थ्री फेज लोको नोड इन्फॉर्मेशन सेल बी। तो थ्री फेज लोको में पेंटोग्राफ उठाने से पहले हमारे डिस्प्ले में कौन सा नोड शो करेगा? तो वो करेगा 504। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर रिप्लेसिंग फ्यूज स्विच ऑफ डैश एंड डैश। फ्यूज को रिप्लेस करने से पहले किस किस चीज़ को स्विच ऑफ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच ऑफ डीजे एंड एचबीए। डीजे को ओपन करें और एचबीए को प्रेस करें ऑफ करें। इसका आंसर हो जाएगा डीजे एंड एचबीए। एचबीए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर रीसेटिंग ब्रेकर इन SB1 एंड SB2 पैनल ऑफ थ्री फेज लोको कीप क्या करना है? इसमें भी डीजे को ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, BPT इज यूज टू टेस्ट डैश एंड डैश। BPT एक स्विच है, उसको यूज करते हैं LSP और LSRSI को टेस्ट करने के लिए। LSP व्हील स्लिपिंग लैंप और LSRSI सिग्नलिंग लैंप और RSI ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए BPT को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, BPT इज यूज टू टेस्ट LSB एंड LSSIT। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, C118 एंड R118 लोकेटेड इन। कहाँ होता है भाई C118 एंड R118 का लोकेशन? MC2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, C145 इज लोकेटेड इन। C145 का लोकेशन कहाँ होता है? BA3 पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चेक डैश फ्यूज व्हेन FDCS डिस्प्ले इज ब्लैंक। जब हमारा FDCS डिस्प्ले जो है वो ब्लैंक हो जाए तो कौन सा फ्यूज को हम चेक करेंगे? CCCPU या CCCPU भी बोल सकते हैं। आंसर हो जाएगा CCCPU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल वर्क्स अबव डैश इन थ्री फेज लोको। थ्री फेज लोको में कांस्टेंट स्पीड जो है वो कितने के ऊपर हमारा वर्क करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डैमेज्ड पेंटोग्राफ सेल वी आइसोलेटेड एंड ग्राउंडेड बाय यूजिंग डैश स्विच। तो अगर हमारा कोई पेंटोग्राफ डैमेज हो गया तो उसको आइसोलेट और ग्राउंडिंग करने के लिए कौन सा स्विच का यूज करते हैं? HPT स्विच हो जाएगा। HPT इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, डिमिंग ऑफ LECC लैंप्स विल इंश्योर डैश बॉन्डिंग। अगर LECC लैंप हमारा डिम्ड है तो वो क्या इंश्योर करेगा? मतलब हमारे लोको में कोई भी निगेटिव बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो निगेटिव बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग कैटल रन ओवर इफ BP एंगल कटआउट कॉक इज इन फ्रंट साइड इज डैमेज क्लोज डैश कटआउट कॉक एंड वर्क। कैटल रन ओवर CRO बोलते हैं जिसको, अगर वो हो गया होते टाइम BP एंगल कटआउट कॉक हमारा फ्रंट साइड का डैमेज हो गया तो कौन सा कटआउट कॉक को क्लोज करेंगे और फर्दर वर्क करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिशनल BP एंगल कटआउट कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग EEC एंड MOM ऑपरेशन MP सेल बी केप्ट इन न्यूट्रल पोजीशन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेपर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।